उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और कुछ पत्रकार ग्राउंड पर जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों से बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरे और उन्हें वहां मोदी और योगी भक्त मिला, जिससे उन्होंने बात की। अजीत अंजुम ने उस व्यक्ति से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल किया तो वे योगी और मोदी की तारीफ करने लगा। तो त्यागी जी, चुनाव है 6-7 महीने बाद, तो क्या है, क्या सोचता है कौन त्यागी? रविंद्र कुमार त्यागी क्या सोचते हैं? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों भाई? इसलिए, एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबको फ्री राशन बांट दिया, रोड बढ़िया हो गई, और किसानों को भी, मजदूर को भी किसान सामान्य निधि मिली है। बढ़िया काम चल रहा है। आप जैसे कह रहे हो कि बड़ा फायदा सबका हो रहा है, लेकिन ये महंगाई तो बड़ी है, डीजल महंगा है, गैस महंगा है, रोजगार मिला क्या लोगों को? रोजगार भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सबको मिल रहा है रोजगार, खेती से रोजगार मिल रहा है। नहीं मतलब रोजगार, खेती तो पहले भी होती थी, 2014 के पहले भी खेती, तो परमानेंट रोजगार हो गया इसमें भी। हाँ, अभी एक की बंधाई है, फिर छिलाई है, फिर ढुलाई है, फिर मिल में जाएगा वहाँ भी ढुलाई है। ये पहले नहीं होता था कभी? पहले नहीं होता था, मतलब 2014 के बाद ही एक की ढुलाई और मिल में पिराई। हाँ हाँ। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप, मतलब 2014 के पहले? पहले से होता था, लेकिन इतना नहीं था, अब ठीक है। और महंगाई जो इतनी है त्यागी जी, 100 रुपये लीटर डीजल है, ट्रैक्टर में बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर में डीजल डालना मुश्किल हो रहा है। ये तो इंटरनेशनल मामला है, बाहर महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा मिलेगा, और वहाँ सस्ता होगा तो यहाँ भी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी ने तो लाखों करोड़ का बचा लिया उसमें से, तो वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, उधर से बचा रहे तो दूसरी तरफ को हम दे रहे। हाँ ठीक रेट हो जाएंगे, ऐसा टाइम भी आएगा। लेकिन अभी 100-200 रुपये भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ये त्यागी जी है, 100-200 रुपये, 100 रुपये तो डीजल है, 200 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे उस व्यक्ति ने धारा 370 हटने का भी जिक्र किया और वह कौन सा चैनल देखता है इसका भी जिक्र किया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा, क्यों समर्थक हो? कुछ अच्छी बात बताओ जिससे आपको लगता है कि आप समर्थक हो, समझना चाह रहे हैं आपसे क्या अच्छा काम, कुछ काम बताओ। अच्छे तो सारे अच्छे ही करें। क्या करें बताओ तो त्यागी जी। ये दो बच्चों का कानून लाए, ये बहुत अच्छा लाए हैं, 370 खत्म किया, बहुत बढ़िया किया है। और 370 जो हट गया उससे आपके क्या फर्क पड़ रहा है? उससे भी फर्क है, जो है ठीक हो रहा है काम। क्या ठीक हो रहा है त्यागी जी, बताओ तो। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, ये जो है कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया। पहले कश्मीर किस में मिला हुआ था? पहले पाकिस्तान में था। अच्छा। हाँ। अच्छा, त्यागी जी कश्मीर पाकिस्तान में था? हाँ, पहले पाकिस्तान बांधता था उसको, मेरा हिस्सा है। अच्छा। हाँ। तो 370 हटने से वो इंडिया में आ गया? इंडिया में ही आ गया बस। नुमानो कौन सा पढ़ते हो, किधर, ये सब व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, व्हाट्सएप पे तो पढ़ा नहीं, अपने दिमाग से ही बोल रहा मैं तो। कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। क्या बात है, जी न्यूज देखते हो तो यही सब तो देखते होगे रोज? देखते हैं, यही देखते। तो त्यागी जी न्यूज देखते हैं, बातें आप सुन पा रहे हैं। 370 कश्मीर इनके हिसाब से पाकिस्तान में था। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।